फ्रेंड्स कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छी होंगी एंड वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय चैनल सोनी ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस टाइम तो हो रहा है आई थिंक 10:30 हो चुके हैं और मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और मैं कुछ अपने खेत की सब्जियाँ दिखाना चाहती हूँ कि मेरे खेत में क्या क्या इस टाइम पर हो रही हैं जो मेरे पापा ने लगा रखी हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि जब मेरा रियल लाइफ है तो मैं रियल चीज़ें ही आपको दिखाऊँ, तो इसलिए मैं घर के बाहर खड़ी हूँ और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। प्लीज़ अगर दोस्त अच्छा लगता है तो एक लाइक ही कर दीजिए, सब्सक्राइब आप बाद में करिएगा, कंटिन्यू मेरे साथ बनी रहिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फिलहाल के लिए तो आप मेरे चैनल को सिर्फ व्यू कीजिए और लाइक कीजिए, इतने से मैं समझूंगी कि मेरा जो काम है वर्क है वो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ लहसुन तो आप लोग सभी लोग खाते होंगे, बट आप कितने लोगों को ऐसा नहीं होगा जो गाँव से होंगे, जो टाउन से नहीं जो गाँव में होंगे उनको तो आई थिंक पता होगा कि लहसुन के पेड़ कैसे होते हैं, लहसुन कैसे लगाया जाता है। इसका बोते समय तो मैंने नहीं दिखा पाई हूँ, बट मैं अब ये थोड़े बड़े हो चुके हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, देख सकते हैं लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ा देती है। तो आप लोग ये देखिए लहसुन हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ये देखिए मेरे यहाँ गोभी भी लगे हुए हैं, जो जैसे ही इसमें फूल आएंगे मैं वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। देख सकते हैं गोभी के पेड़ इतने छोटे लगाए जाते हैं और इन्हीं की सेवा करके इनकी केयर करके ये इसी में गोभी लगेंगे। और ये फूल गोभी है और कैबेज जो पत्ता गोभी है वो भी लगाया, वो देख सकते हैं छोटे छोटे उसके पौधे लगाए हैं। और ये फिलहाल हमारे खेत में लहसुन लगे हैं, लहसुन इस टाइप के। और मूली देखिए, मूली ये लगी हुई है, ये छोटी छोटी मूलियाँ हो रही हैं तो कुछ दिन में खाने वाली भी हो जाएंगी। और ये देखिए आप लोग, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें ये सरसों को सभी लोग पसंद करते हैं और विंटर में तो खासकर सर्दियों में सभी को अच्छा लगता है। ये देखिए सरसों भी हो रही हैं। और ये देखिए एक चीज़ बथुआ बोलते हैं हमारे वहाँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं, ये देखिए ये भी हो रहे हैं, ये अपने आप उग जाते हैं हमारे खेतों में और इसके पराठे बनते हैं। देखिए ये देखिए छोटा सा मैं दिखा रही हूँ आपको, आप लोग बताना कि इसको आप लोग क्या कहते हैं, हमारे वहाँ तो बथुआ बोलते हैं, बथुआ का साग बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारे वहाँ आलू भी लगे और आलू के जिन फ्रेंडों को आलू का पेड़ नहीं देखा होगा वो देख सकते हैं कि देखिए आलू ऐसे होते हैं और इसके नीचे ही इसमें मतलब ज़मीन में ही आलू होंगे, इतना तो आप लोग को भी पता होगा। ये आलू का पेड़ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं दिखाती हूँ कि मेरे खेत में इस टाइम पर क्या क्या लगी है। और ये फिलहाल गेहूँ निकल रहे हैं, गेहूँ की खेती है। ये देखिए यहाँ मूली बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, इसको हम साग भी बना सकते हैं, इतने अच्छे इसके पत्ते ग्रीन हो रहे हैं और ये एकदम नेचुरल है, बिना खाद के जो घर में मतलब कहते हैं फ्रेश चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए भी अच्छी होंगी, सेहत के लिए इसमें बिना विदाउट खाद की हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हो रखी है, मार्केट में तो हमेशा हमें खाद से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं बट घर में देखिए बिना खाद की नेचुरल कैसे मेरे पापा ने लगा रखी है। और ये देखिए धनिया ऐसे होता है, अभी ये छोटा छोटा है, कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा उसका भी वीडियो में बना के आपको दूंगी। अभी देखिए ये छोटा है, यहाँ देखिए मेथी साग सभी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। ये देखिए यहाँ मेथी हो रही है, ये भी छोटी छोटी है। यहाँ पर पालक लगे हुए हैं, देखिए पालक भी ऐसे लगते हैं, देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और ये मॉर्निंग का टाइम इतना बढ़िया लग रहा है कि फ्रेंड मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तो बहुत पसंद है। और घर देखते होंगे तो लगता होगा कि मैं किसी टाउन में रहती हूँ, बट नहीं फ्रेंड मैं गांव में ही रहती हूँ, ठीक है गांव में ही रहती हूँ। और मैं अपनी वीडियो में ये भी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ और कहाँ से रिलेटेड हूँ और मेरा ससुराल कहाँ है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए जिससे आपको पता चले। ये देखिए हमारे वहाँ मटर, कुछ थोड़े से मटर लगा रखे हैं और इसमें देखिए मटर के पेड़ ऐसे होते हैं फ्रेंड, देखिए कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को तो पता ही होगा बट मैं अभी दिखा रही हूँ। देखिए ये मटर है, मटर में फूल भी आ गए हैं और ये देखिए इसमें फलियाँ लग रही हैं, देखिए ये देखिए फलियाँ लग रही हैं और इसमें मटर कुछ दिन में हो जाएंगे।
अब ये थोड़ा सा लगा रखा है पापा ने, और दूसरे खेत, ये देखिए हमारा खेत है, इस साइड भी लगा रखा है, बट वो अभी उगे नहीं है। जब उग जाएंगे तो मैं उनकी भी वीडियो शेयर करूँगी। और जो मैं आपके साथ मिर्च का जो वीडियो शेयर कर रही थी, देखिए ये कितनी सारी मिर्च हमारे वहाँ लगी हुई है, जो मैंने आपको एक अलग वीडियो में, पहली वीडियो में बना के दिखा रखा है ब्लॉगिंग में। और ये देखिए, आप लोग चौलाई सब खाते होंगे ना हमारे यहाँ, तो इसको चौलाई कहते हैं ये, बट हमने लगाई नहीं है, अपने आप हो गई हैं। देखिए ये भी साग हमारे यहाँ दिख रहा है, ये भी मुझे ये भी अच्छे लगते हैं, पर ये इस टाइम पे भी खाते हैं, बट ये गर्मियों में ज़्यादा चलती है। देखिए ये साग भी हो रही है, और ये देखिए हमारे वहाँ सरसों भी हो रहे हैं, थोड़े से सरसों पापा ने लगा रखे थे साग के लिए, ये भी अच्छे हो रहे हैं। और शायद आज संडे मम्मी साग ही बनाए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए मिर्च तो हमारे वहाँ अलेवर, और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ की क्या खूबी है कि हमारे वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी है कि अपने आप भी कोई पेड़ उगता है ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ लग ही जाते हैं, मतलब बिना वो उसके, इतनी अच्छी मिट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये मेरे खेती है, मैं खेती की साइड आ रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक अपने आप टमाटर हुआ था, और ये देखिए कितनी खूबसूरती से, ये देखिए अपने आप ये झाड़ियों में, मतलब झाड़ी नहीं होंगी, आपको पता होगा सीताफल बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, उसकी बेल है यहाँ पर, और इसमें बहुत बड़े बड़े लग भी रहे हैं, बट वो अंदर है तो मैं अभी तो उनको नहीं दिखा सकती कि सीताफल कैसे फलता है, बट मैं देख रही हूँ कि अगर कहीं भी छोटा सा लगा होगा फल इसका तो मैं दिखाऊंगी, बट अभी तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। पर देखिए इन इसके बेलों में एक एक टमाटर, टमाटर तो आप लोग जानते हैं, देखिए अपने आप उगा है, और कितनी सुंदर तरीके से ये देखिए फल रहा है। ये देखिए एक यहाँ लगे हुए हैं, और यहाँ भी लगे हुए हैं, और कुछ उसके अंदर भी है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से, यहाँ पे ना पापा ने कुछ भी नहीं किया है, कहीं से बीज, मतलब घर में ही टमाटर खा के जैसे डाला होगा, तो ये अपने आप ही ओके हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि सीताफल कहीं लगा हुआ आपको दिखाऊँ, तो मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, बट दिखेगा तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स सीताफल कैसे लगते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये लग रहा है, आई होप आपको दिख भी रहा होगा, ये बड़े बड़े होते हैं। देखिए ये लगा है सीताफल, और ये उसकी बेल है, सीताफल भी बोलते हैं, कद्दू, हम तो कद्दू बोलते हैं, कद्दू लगे हैं। और तोरी जो कहते हैं, तोरी का भी अपने आप एक बेल थी उसमें, और ये बेल देखिए अपने आप यहाँ पर तोरी भी लग रही है, तोरी बल्कि इसका सीज़न ख़त्म हो गया है, फिर भी अवेलेबल होती है मार्केट में। देखिए ये लगी पड़ी है तोरी इसमें, हमारे वहाँ तो घेवड़ा भी बोलते हैं, तोरी भी बोलते हैं, और आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए हल्दी, हल्दी तो इतनी टर्मेरिक चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ होती है, और ये देखिए हल्दी ऐसे होती है, ये हल्दी के पेड़ हैं, और हल्दी के पेड़ हैं, और नीचे जड़ में हल्दी निकलती है, इतना तो आप लोग को पता होगा। देखिए हल्दी के पेड़ ऐसे होते हैं, ये हमारे वहाँ पापा ने थोड़ी थोड़ी हर चीज़ लगा रखी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इनके, खाते तो हैं सभी लोग यूज़ में, तो आपको पता है कि प्रॉपर हल्दी यूज़ होती है, बट उनको पता नहीं होगा कि हल्दी के पेड़ कैसे होते हैं, तो मैं सो दिखा रही हूँ आपको। देखिए हल्दी की पेड़ ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये हल्दी है, ये देखिए मैं इसको टच करके भी दिखा दूँगी, देखिए हल्दी है ये, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये देख सकते हैं पपीते, पपीते लग रहा है, और ये पपीता बांध दिया गया है, क्योंकि बांधने से जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसमें बांध दिया गया। और एक वीडियो है जो पपीते की, मैंने इसको बिना बांधे हुए मतलब दिखा दूंगी मैं आपको कि इसमें कैसे पपीते लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि हाँ मिर्च विर्च की खेत है, जो मैंने पहले आपको दिखा रखी है वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, और अच्छी लगती है नेचर से रिलेटेड, नेचर मतलब प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वो अगर वो आपको अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ दोस्त एक लाइक कर दीजिएगा। और ये देखिए घर देख के तो कोई नहीं कहेगा गांव में है, बट ये घर भी मेरे पापा की मेहनत का है, इसका भी मैं बताऊँगी। आज मैंने आपको बहुत सारी सब्जियां दिखा रखी हैं, जो आप खाते भी होंगे, और आई होप आपको अच्छी भी लगी होंगी, और आपने देख भी होगा कि इनके पेड़ कैसे होते हैं, तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए कि मैं आपको ऐसी अच्छी 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 चीज़ें दिखा सकूँ अपने लाइफ से, एकदम हर चीज़ जो है मेरी लाइफ की एकदम रियल है वही दिखाऊँगी मैं आपसे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ एक बार देखिए ज़रूर।